नमस्कार, विसन की हिंदी खबरों में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आई नजर डालते हैं आज के सुर्खियों पर। फिर फंसे अपराध शाखा के दो पुलिस ये वर्ली मटके के रुपयों में। चांदूर रेलवे स्टेशन पटरी पर मिला बेहोश बालक। अमरावती जिला कारागृह में विचाराधीन आरोपी की मौत। विधान परिषद चुनाव में अभी तक नहीं मिला कांग्रेस का किसी को एबी फॉर्म। और महाराष्ट्र के प्रसिद्ध गजल गायक सुरेश दंडे मॉरिशस रवाना। तो इतिहास की सुर्खियां, आइए देखते खबरें विस्तार से। अमरावती जिले के चांदूर रेलवे स्थित रेलवे स्टेशन में बुधवार की दोपहर उस समय खलबली मच गई जब इस रेलवे स्टेशन के पटरी पर एक 5 से 6 वर्षीय बालक बेहोशी की हालत में पाया गया। किसी बालक के बेहोश स्थिति में पाए जाने की खबर पूरे रेलवे स्टेशन परिसर सहित स्टेशन के बाहर भी आग की तरह फैलते ही लोगों का हुजूम उस बालक को देखने के लिए उमड़ पड़ा। इस खबर के बाद रेलवे पुलिस भी मौके वारदात पर पहुंच गई। इस बालक को तत्काल पुलिस टीम ने जिला सामान्य अस्पताल में भिजवाया। बताया गया है कि बालक के गले में ताबीज तथा काला धागा बंधा हुआ है। बेहोशी की हालत में ही संबंधित बालक का जिला सामान्य अस्पताल में उपचार जारी किया गया है। इसके साथ ही शहर पुलिस एवं सभी थाना क्षेत्रों तथा जिले के सभी थाना क्षेत्रों एवं रेलवे पुलिस की ओर से भी किसी गुमशुदा बालक को लेकर जानकारी देते हुए जांच पड़ताल प्रारंभ की गई है। अमरावती शहर पुलिस के अपराध शाखा में कार्यरत सिपाही दोनों कर्मचारियों द्वारा फ्रेजरपुरा थाना क्षेत्र के निवासी विजय मंडले से जबरन पैसे मांगने तथा उनकी गैर मौजूदगी में उनके परिजनों को धमकाने को लेकर विजय मंडले की ओर से युवा स्वाभिमान के लेटर हेड पर पुलिस आयुक्त से शिकायत की गई थी, जिसे गंभीरता से लेते हुए पुलिस आयुक्त दत्तात्रेय मंडलिक ने इस मामले की जाँच फ्रेजरपुरा के थानेदार आसाराम चोरमल्ले को सौंपी है। इस संदर्भ में पुलिस आयुक्त से पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि आगामी 2 दिनों में यह जांच पूरी हो जाएगी, जिसके बाद निश्चित ही इन दोनों पुलिस कर्मचारियों पर कार्यवाही के संकेत है। हत्या के एक आरोप में स्थानीय केंद्रीय कारागृह में विचाराधीन कैदी की हृदयघात से आज सुबह जिला सामान्य अस्पताल में मौत हो गई। मृतक कैदी का नाम रतन प्रेमलाल लिल्हारे उम्र 25 बताया गया है, जो शिरजगांव कस्बा के गोविंदपुर का निवासी था। विगत 2017 में गोविंदपुर में हुई एक हत्या के मामले में शिरजगांव कस्बा पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए रतन लिल्हारे को स्थानीय केंद्रीय कारागृह में विचाराधीन कैदी के रूप में रखा गया था। जेल के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रतन लिल्हारे के आज सुबह छाती में अचानक दर्द उठने की शिकायत के बाद जेल कर्मचारियों ने उसे तत्काल जेल के ही अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने रतन की ईसीजी की जांच की। डॉक्टर के ध्यान में यह बात आते ही रतन को हृदयाघात होने के आसार समझ में आते ही उसे जेल कर्मचारियों की मदद से जिला सामान्य अस्पताल में भिजवाया गया, लेकिन यहाँ उपचार से पहले ही रतन लिल्हारे की मौत हो गई। रतन के मौत की खबर जेल प्रशासन के जरिए मृतक रतन लिल्हारे के परिजनों को दी गई है। मृतक रतन के शव का इन कैमरा पोस्टमार्टम यवतमाल जिला सामान्य अस्पताल में किया जाएगा। अमरावती शहर का मुख्य बस स्थानक, यहां से रोजाना राज्य परिवहन की सैकड़ों बसें अपने गंतव्य की ओर रवाना होती है। जिले का प्रमुख बस स्थानक होने की वजह से इस बस स्थानक पर रोजाना हजारों यात्रियों का आना जाना लगा रहता है। यह यात्री शहर में अपने गंतव्य पर पहुंचने के लिए डेपो परिसर के बाहर से चलने वाले ऑटो रिक्शा का सहारा लेते हैं। इस चौराहे पर होने वाले भारी यातायात को नियंत्रित करने के लिए यातायात पुलिस के कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाती है। रोजाना इस स्थान पर 2 से 3 यातायात पुलिस कर्मियों द्वारा यहाँ होने वाले बाधित यातायात को सुचारू रूप दिया जाने की कोशिश की जाती है, लेकिन अस्त व्यस्त यातायात नियमों का उल्लंघन कर रोड पर ही ऑटो चालकों द्वारा
अपने ऑटो खड़े किए जाने का दृश्य आम बात हो गई है। सवारियां बैठाने की होड़ में ऑटो चालकों द्वारा यातायात नियमों का रोजाना उल्लंघन हो रहा है। इन ऑटो चालकों को यातायात पुलिस का भी भय नहीं रह गया है, जिसके चलते यहां रोजाना दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। इन दिनों राज्य भर के बैंक एटीएम में ठन ठन गोपाल की स्थिति बनी हुई है। बैंक खातेदारों में इस समस्या को लेकर जनाक्रोश उमड़ने लगा है। इसी के मद्देनजर मलकापुर प्रहार जनशक्ति के उपजिला प्रमुख अजय टप के मार्गदर्शन में बुल्डाना रोड स्थित बस स्टैंड के सामने एटीएम को हार पहनाकर तथा श्रीफल देकर उसकी पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर तहसील प्रमुख अमोल बावस्कर, शहर प्रमुख अर्जुन पाटिल, शेख इमरान, बलराम बावस्कर आदि उपस्थित थे। इस समय जिला प्रमुख ने सुरक्षा अधिकारी से यह भी कहा, संबंधित अधिकारियों के चेहरे पर कालिक भी पोतेंगे। हमारे शेगांव संवाददाता महेंद्र मिश्रा की यह रिपोर्ट मलकापुर से। खबरों में अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। होटल लैंडमार्क कॉन्टिनेंटल, सावजी व्यंजनों का स्वाद लीजिए स्पेशल सावजी रेस्टोरेंट में। डीजे पार्टी हॉल, एसी रूम्स, अपने चहितों के लिए खास बर्थडे हॉल एवं मैरिज लॉन, खास फैमिली के लिए फैमिली गार्डन। होटल लैंडमार्क कॉन्टिनेंटल लग्जरियस बिजनेस होटल, अपोला रोड ओल्ड नाका बडनेरा अमरावती। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आइए देखते हैं कुछ अन्य खबरें। श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन संघ अंबापेठ अंतर्गत राष्ट्रसंत पूज्य गुरुदेव श्री नम्रमुनि महाराज साहेब प्रेरित अरहम युवा सेवा ग्रुप अमरावती द्वारा 1 मई मजदूर दिवस के उपलक्ष में छाछ वितरण का महा उपक्रम किया गया। शहर के सबसे अधिक व्यस्ततम गांधी चौक से इतवारा रोड के मध्यस्थ अग्रवाल पैलेस में स्थित सेवाभावी सुनील अग्रवाल के प्रतिष्ठान नवरंग ऑटो इंजीनियरिंग के सामने एवं पुराना कॉटन मार्केट के सामने अरहम जल मंदिर प्याऊ में, जहां सबसे अधिक कामगार एवं मजदूरों की भीड़ रोजगार पाने के लिए रहती है, ऐसे सबसे अधिक भीड़ भाड़ वाले दोनों स्थानों से भीषण गर्मी में राहत दिलाने हेतु मजदूर वर्ग एवं राहगीरों के बीच अरहम युवा सेवा ग्रुप द्वारा 1100 ग्लास शीतल मसाला छाछ का वितरण किया गया। जिनके मजबूत कंधों पर देश की अर्थव्यवस्था टिकी है, ऐसे पसीने से तर मेहनतकश मजदूर वर्ग की ओर आम तौर पर किसी का ध्यान नहीं जाता। दीर्घद्रष्टा राष्ट्रसंत पूज्य गुरुदेव श्री नम्रमुनि महाराज साहेब की पावन प्रेरणा एवं आशीर्वाद से उनकी सेवार्थ गत 2 वर्ष से छाछ वितरण का यह उपक्रम भारतवर्ष में अरहम युवा सेवा ग्रुप की सभी शाखाओं ने एक साथ लिया जाता है। अधिकतम गर्मी के चलते पारा 45 डिग्री के पार पसीने से तर मजदूर वर्ग एवं राहगीर हाथ में ठंडी छाछ का ग्लास पाकर प्रसन्न हुए। उनके मुख की मुस्कान में ही अरहम युवा सेवा ग्रुप के महा उपक्रम की सफलता छिपी थी। इस उपक्रम को सफल बनाने में सुनील अग्रवाल, भरत सरवैया, ऑटोमोबाइल एसोसिएशन के समस्त सदस्यगण, अरहम युवा सेवा ग्रुप के निमिष संघानी, विकास देसाई, अलय शाह, रोमित पारेख, रेखा शाह, मेघा टप्पे, आरती देसाई, निधि दोषी, राजुल देसाई आदि सेवकों ने अथक परिश्रम लिए। मॉरिशस मराठी कल्चरल ट्रस्ट की तरफ से अमरावती के सुप्रसिद्ध संगीतकार तथा गजल गायक सुरेश दंडे को मॉरिशस में निमंत्रित किया गया है। मॉरिशस के स्वतंत्रता दिवस के सुवर्ण जयंती पर्व तथा महाराष्ट्र दिवस के निमित्त आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में गायन पेश करने के लिए उन्हें निमंत्रित किया गया है। मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के स्टूडियो में सुरेश दंडे के सांस्कृतिक कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण भी किया जाएगा। सुरेश दंडे गुरुवार को मुंबई से मॉरिशस के लिए रवाना होंगे। उनके इस दौरे को लेकर संगीत के अनेक मान्यवरों ने उनका अभिनंदन किया है।
गजल मध्ये जाधव साहेब अप्रतिम शेर आहेत, शेर आहे का सुंदर शेर आहे। ओळखीचा निघे रोज मारे करी, ओळखीचा निघे रोज मारे करी, ओळखीचा निघे रोज मारे करी, ओळखीचा निघे रोज मारे करी। गजल गायक सुरेश दंडे के साथ ही अमरावती के सुप्रसिद्ध डॉक्टर मधुकर राव मेश्राम को भी मॉरिशस निमंत्रित किया गया है। बता दें कि प्रतिभा संपन्न गायक एवं संगीतकार सुरेश दंडे ने अपने पिता नागपुर के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक एवं संगीतकार वीएस बाबूराव दंडे संगीत के संस्कार एवं संगीत की शिक्षा ग्रहण की। विगत 20 वर्षों से सुरेश दंडे अपने विविध शीर्षकों के अंतर्गत कार्यक्रम प्रस्तुत करते नजर आते हैं। यह उल्लेखनीय है कि शहर निवासी सुरेश दंडे जीवन बीमा निगम से विकास अधिकारी के रूप में सेवानिवृत्त हो चुके हैं तथा संगीत के नए आयामों को हर रोज रचते नजर आते हैं। जैसे जैसे विधान परिषद चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे शहर सहित जिले में चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज होने लगी है। विधान परिषद चुनाव के लिए अब तक अनेकों ने अपने आवेदन पत्र भरने की जानकारी सामने आई है। भाजपा तथा कांग्रेस की ओर से ही विधान परिषद चुनाव में कांटे की टक्कर का दृश्य बनते नजर आ रहा है। एक ओर भाजपा के प्रत्याशी के रूप में पूर्व पालक मंत्री प्रवीण पोटे, इन्होंने अपना नामांकन अर्ज दाखिल किया है तथा अपनी जीत भी सुनिश्चित बताई है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने अभी भी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। जबकि बुधवार की रोज मनपा में कांग्रेस के स्वीकृत सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए अनिल माधोगढ़िया ने अपना नामांकन दाखिल किया है। जिल्हाध्यक्षांनी सांगितलं की उद्या 3 वाजेपर्यंत, अजून आम्हाला काही विचार नका, याबद्दल आपण काय नाही। पार्टीचा जो आदेश आहे आम्हाला बिलकुल मान्य आहे, पार्टी जे निर्णय घेईन ते आम्ही तयार आहे, त्यासाठी आम्हाला काही प्रॉब्लेम। लेकिन काँग्रेस का अधिकृत प्रत्याशी कोण होगा, या सस्पेन्स बुधवार की रोज तक बरकरार है। तुम्हाला माहित आहे की जिल्ह्यामध्ये पालकमंत्री हे भारतीय जनता पक्षाचे उमेदवार, त्यांच्या विरोधात उमेदवार देत असताना सर्व शक्तिवान उमेदवार आपण दिला पाहिजे आणि तशी सगळ्या मतदारांची अपेक्षा आहे। तुम्हाला पत्रकारांना काय वाटते याच्यापेक्षा मतदारांना काय वाटते हे जास्त महत्त्वाचं आहे। साधारणतः म्हणून उद्या पुन्हा 3 वाजेपर्यंत सर्वांनी वाट पाहावी आणि सर्व शक्तिमान उमेदवार आम्ही देऊ अशी अपेक्षा करूया। उमेदवार नाव सर्व शक्तिमान पाहिजे, कुठली पाहिजे सर्व शक्तिमान, उमेदवार पूर्ण महाराष्ट्रातला कुठेही राहू शकतो। पार्षद अनिल माधोगढ़िया के नामांकन दाखिल करने के दौरान उनके साथ कांग्रेस के जिला तथा शहर के लगभग सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता इस दौरान प्रमुखता से उपस्थित थे, जिसे देखते हुए यहां इस बात की चर्चा थी कि संभवतः पार्षद अनिल माधोगढ़िया भी विधान परिषद के लिए कांग्रेस के प्रत्याशी हो सकते हैं। हालांकि नामांकन दाखिल करने के दौरान उन्हें भी बी फॉर्म बुधवार की रोज तक नहीं मिला था। गुरुवार की शाम तक इस मामले का चित्र स्पष्ट हो जाएगा। पार्षद अनिल माधोगढ़िया के साथ आवेदन दाखिल करने के लिए विधायक वीरेंद्र जगताप, बबलू देशमुख, बबलू शेखावत, विलास इंगोले, राजू भेले सभी वहाँ मौजूद थे। कांग्रेस तर्फे सुरुवातीची उमेदवारी दाखल केली आहे माधव गडी यांची, आणि उद्या 3 वाजेपर्यंत टाइम आहे, तो उद्यापर्यंत एखादे 2 फॉर्म अजून कांग्रेसचे घेईल आणि उद्या 3 तुम्हाला फायनल सांगतो। विद्यापीठ शिवसेना शाखा की ओर से 1 मई महाराष्ट्र दिन के अवसर पर एम्बुलेंस का लोकार्पण तथा जरूरतमंद निर्धन महिलाओं को साड़ियां वितरित की गई तथा इसके साथ ही प्रतिभावान छात्रा को भगवे दुपट्टे वितरित किए गए। बता दें कि शिवसेना की ओर से बीते 1 मई महाराष्ट्र दिन के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ ही हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस दौरान विद्यापीठ चौक स्थित मातोश्री मीनाबाई ठाकरे चौक पर इस दौरान बड़े तादाद में नागरिक उपस्थित हुए थे। कार्यक्रम का शुभारंभ हिंदवी स्वराज्य संस्थापक शिवाजी महाराज की प्रतिमा का पूजार्पण के साथ किया गया, जिसके बाद एम्बुलेंस का लोकार्पण संपन्न हुआ। इस दौरान
51 गरीब जरूरतमंद महिलाओं को साड़ियां वितरित कर उनका सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम के प्रमुख उपस्थिति के रूप में एपीएमसी के उपसभापति नाना नागमोते, पूर्व विधायक धाने पाटिल, पूर्व पार्षद स्वाति निस्ताने, शिवसेना उप शहर प्रमुख अमोल निस्ताने सहित बड़े पैमाने पर नागरिक उपस्थित थे। ओबीसी की जात निहाय जनगणना भारतीय संविधान के अनुसार अब तक नहीं हुई है। घटना के कलम 340 के अनुसार ओबीसी का सर्वांगीण विकास केवल जात निहाय ना होने से विगत 11 अप्रैल से क्रांति सूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले इनके जन्म स्थान पर समता भूमि पुणे से प्रारंभ होकर आरक्षण भूमि कोल्हापुर, दीक्षा भूमि नागपुर से चैत्य भूमि मुंबई में 11 मई को समाप्त होगी। ओबीसी की जात निहाय गणना होनी चाहिए, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा तथा नागरिक हक मिलना चाहिए, सभी ओबीसी आयोग को अमल में लाना चाहिए, इन मांगों को लेकर पूर्व सांसद हरि सिंह राठौड़, डॉक्टर ज्ञानेश्वर गोरे, प्रदेशाध्यक्ष सुषमा अंधारे, श्रावण देवरे, डॉक्टर बबन तायवाड़े आदियों ने राज्य भर में कार्यरत ओबीसी संगठना को साथ लेकर यह संवैधानिक यात्रा की जा रही है। इसके साथ ही इस यात्रा में 10 सूत्रीय मांग भी की गई है। ते चैत्य भूमि भाया आरक्षण भूमि दीक्षा भूमि अशा प्रकार की संवैधानिक न्याय यात्रा देशव्यापी ओबीसी जात निहाय जनगणना अभियाना अंतर्गत आम्ही काढलेली आहे। 11 एप्रिलला महात्मा ज्योतिराव फुलेंच्या समता भूमीवरून त्यांच्या जन्मदिनीच ही यात्रा सुरू झालेली आहे। 11 मे 2018 रोजी इथं समापन मुंबईला चैत्यभूमीवर होणार आहे। ही यात्रा म्हणजे ओबीसींची जात निहाय जनगणना येणाऱ्या 2021 मध्ये झाली पाहिजे त्यासाठी प्रेशर ग्रुप शासनावरती निर्माण करण्यासाठी, प्रेशर निर्माण करण्यासाठी, आमचं सगळ्यांचं न्यूसन्स व्हॅल्यू क्रिएट करण्यासाठी आणि आम्हा सगळ्यांचं आयडेंटिटी आणि आमचं एक्झिस्टन्स शासनाला कळावं। 60%पेक्षा वर असलेला ओबीसी समाज आजही सर्व शासनाच्या सोयी सवलतीपासून वंचित आहे। आम्ही सर्व भेटणार आहोत आझाद मैदानावर मुंबई येथे। तत्पूर्वी 11 मेलाच महात्मा फुलेंना महात्मा ही पदवी मिळाली होती। त्या पदवी त्या दिवसाचं औचित्य साधून कोळीवाड्याची माती मस्तकाला लावून बाबासाहेबांना चैत्यभूमीवर विनम्र अभिवादन करून आम्ही आझाद मैदानावर सर्व लोक त्या ठिकाणी उपस्थित राहणार आहोत। वर्ष 1937 के 4 तथा 5 मई को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का अमरावती में आयोजित बहुजन परिषद में ऐतिहासिक भाषण स्थानीय नेहरू मैदान में आयोजित किया गया था। उस ऐतिहासिक दिवस के निमित्त पिछले 5 वर्षों से लॉर्ड बुद्धा चैनल के माध्यम से समता सैनिक दल का अधिवेशन आयोजित किया जाता है। इस वर्ष भी आगामी 5 मई को टाउन हॉल में दोपहर 3 से रात 10 बजे तक समता सैनिक दल का अधिवेशन तथा कवि सम्मेलन और भीम गीतों का संगीतमय कार्यक्रम की प्रस्तुति मुंबई के प्रसिद्ध गायक अरविंद मोहिते, अर्चना मोहिते एवं उनकी टीम के मधुर आवाज में पेश किया जाएगा। ऐसी जानकारी पत्र वार्ता में लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल के कैलाश मोरे द्वारा दी गई। इस पत्र परिषद के दौरान यह भी कहा गया कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के आगमन दिवस निमित्त नेहरू मैदान पर डॉक्टर बाबा साहब की पूर्णाकृति प्रतिमा स्थापित करने एवं उस स्थान पर 100 कंप्यूटर की डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने की मांग का निवेदन मनपा आयुक्त को सौंपा जाएगा। लॉर्ड बुद्धा टीवी जिला प्रतिनिधि अमरावती, येणाऱ्या 5 मेला 2018 टाउन हॉलमध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या आगमन दिनानिमित्त समता सैनिक दलाचं राष्ट्रीय अधिवेशन आम्ही त्या ठिकाणी घेत आहे। त्याचबरोबर त्या ठिकाणी बुद्ध भीम गीताचा संगीतमय कार्यक्रमसुद्धा होणार आहे। सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे 4 आणि 5 मे 1936 डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर अमरावतीला आगमन झालं होतं आणि बहुजन परिषदेचं याचं आयोजन असताना डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी अध्यक्षीय भाषण नेहरू मैदान या ठिकाणी दिलं होतं। त्या क्षणाचं महत्त्व कळावं त्या ठिकाणी उभा राहा, त्या ठिकाणी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं ऐतिहासिक भाषण झालं आणि त्याच ठिकाणी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नावानं 100 कम्प्युटरची डिजिटल लायब्ररी निर्माण करावी त्यासाठी हा प्रोग्रामचं आयोजन केलं आहे आणि आम्ही मनपालासुद्धा याचं निवेदन देणार आहोत। तो ये थी आज की खबरें, चलते चलते एक नजर डालते आज के सुर्खियों पर। फिर फंसे अपराध शाखा के 2 पुलिस ये वर्ली मटके के रुपयों में। चांदूर रेलवे स्टेशन पटरी पर मिला बेहोश बालक।
अमरावती जिला कारागृह में विचाराधीन आरोपी की मौत। विधान परिषद चुनाव में अभी तक नहीं मिला कांग्रेस का किसी को एबी फॉर्म। और महाराष्ट्र के प्रसिद्ध गजल गायक सुरेश दंडे मॉरिशस रवाना। तो ये थी आज की सुर्खियां। ताजातरीन खबरों के लिए देखते रहिए विजन न्यूज। नमस्कार।